खबर रक्षाबंधन से जुड़ी हुई, सरकारी योजना से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में अब रक्षाबंधन के पर्व पर गैर हिंदू महिलाओं को दिए जाने वाले 250 रुपए को लेकर आपत्ति दर्ज की गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा ने आपत्ति जताते हुए कहा कि जो इस त्यौहार को मनाते हैं उन्हें ही पैसा मिलना चाहिए। उनकी माने तो जो इस त्यौहार का विरोध करते हैं ऐसे लोगों को राशि देने का अर्थ है कि हम गलत दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़े उदार व्यक्ति हैं, वो बहनों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, लेकिन योजना की समीक्षा होनी चाहिए। रक्षाबंधन त्योहार में विश्वास करते हैं, जो रक्षाबंधन त्योहार मनाते हैं, जो इस हिंदू त्योहार को स्वीकार करते हैं, राशि का लाभ उनको ही मिलना चाहिए। जो इस त्योहार को स्वीकार ही नहीं करते, जो इस त्योहार को मानते नहीं, जो ये त्योहार का उपयोग अपने भाईचारे में करते नहीं हैं, अपने रिश्तों में इसका उपयोग नहीं करते हैं, उनके लिए इस बढ़ी हुई राशि का कोई औचित्य नहीं है। इसलिए सरकार को मेरा आग्रह है, सुझाव है कि ये विचार करना चाहिए। तो रघुनंदन शर्मा को आपने सुना, वैसे वो भी बड़े समझदार माने जाते हैं, पर पता नहीं क्यों ये बयान उनकी तरफ से आया है। रक्षाबंधन के 250 रुपए देने पर आपत्ति दर्ज कराई है उन्होंने। बहुत सोच समझकर बोलने वाले नेता हैं, पर कभी कभी बयान ऐसे निकल जाते हैं, ये भी बड़े समझ से परे हैं। खैर, तो रघुनंदन शर्मा को आपने सुना, योजना की समीक्षा वो चाहते हैं। और सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, बयान दिया रघुनंदन शर्मा ने, वैसे तो हमने देखा है बड़े सोच समझकर ही वो बयान देते हैं, कभी कभी सरकार को रास्ता दिखाने वाले बयान देते हैं, अभी इस तरह का बयान आया है, शैलेंद्र क्या मायने? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वो अक्सर अपनी सरकार को ही घेरने का काम करते हैं और कई बार वो इस तरह की बातें अपने बयानों में कह जाते हैं जिससे सरकार थोड़ी सी अनकम्फर्ट भी हो जाती है, सरकार में बैठे जो नेता हैं वो अनकम्फर्ट हो जाते हैं। हालांकि ये बयान जो आया है इससे भी बीजेपी का कोई भी नेता इत्तेफाक नहीं रख रहा है। कुछ बीजेपी के नेताओं से हमारी जो बात हुई है वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, जब भी कोई योजना बनाती है तो वह जाति और धर्म को देखकर नहीं बनाई जाती है, बल्कि वो योजना सर्वस्पर्शी होती है और सर्व समाज के लिए होती है, क्योंकि बीजेपी का तो नारा ही है सबका साथ सबका विकास। ऐसे में आपको रोकना चाह रहा हूं, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, आप भी लगातार बने रहिएगा। अभिनव बरौलिया साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनव जी का एक रिएक्शन हम चाहेंगे। अभिनव जी, रघुनंदन शर्मा का बयान, वो कह रहे हैं कि जो 250 रुपए दिए जाने रक्षाबंधन के, वो ऐसे लोगों को दिए जाने का विरोध कर रहे हैं जो इस त्यौहार को नहीं मनाते। जी, आपका रिएक्शन प्लीज। देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ललित जी बोल रहे हैं ना? जी जी जी, ललित जी, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है वो बहुत विकृत है, बहुत छोटी सोच के लोग हैं जी। हमेशा इनके पार्टी के अंदर भी रघुनंदन शर्मा जी का विवाद चल ही रहा है, वो सबको नसीहत देते हैं, फिर वो बाहर भी देते हैं। एक मतलब इन लोग की सोच जो होती है कभी एक जैसी नहीं रहती, हमेशा बदलते रहते हैं इनके विचार जी। ये सभी को साथ लेने की बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम ऐसा करेंगे, ये कहीं पर भी नजर नहीं आता। किसी का विकास नहीं चाहते, ये खुद का विकास चाहते हैं, खुद के जो इवन A2 हैं उनका विकास चाहते हैं, इसके अलावा इनके अंदर कोई सोच नहीं है। जनता कैसी भी परेशान रहे, कुछ भी होता रहे जनता के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घोषणाएं करके कि महीने एक मतलब सावन के महीने में 250 रुपए बढ़ा देंगे या सिलेंडर हम इसी महीने देंगे, घोषणाएं करते हैं। पिछले महीने पिछले साल भी हमने इसी समय फोनो करा था जब इन्होंने इसमें 250 रुपए बढ़ाए थे और सिलेंडर भी उस समय 450 का किया था, लेकिन प्रॉपर कोई घोषणा नहीं करते हैं कि हाँ आपको प्रॉपर ये 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, हर हर वर्ग को मिलेगा, सबको मिलेगा, ये सोच नहीं है। हालांकि उसमें भी जिस सिलेंडर की तरफ आप इशारा कर रहे हैं उसमें भी बाद में TNC अप्लाई हो गया है। खैर, बिल्कुल हाँ, मैं अभिनव जी आपके पास आऊंगा। और शैलेंद्र, ये बात सही है कि बीजेपी के लिए वाकई असहज स्थिति है, और शायद यही वजह है शैलेंद्र की, कोई जवाब बीजेपी की तरफ से आ नहीं रहा है। शैलेंद्र
बिल्कुल बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि देखिए जिस तरीके से जो बयान दिया है कि देखिए भले ही उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो लोग हिंदू देवी देवताओं को के त्योहार नहीं मनाते हैं और जो रक्षाबंधन पर भरोसा नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को ये पैसा क्यों दिया जाना चाहिए। सीधे तौर पर उनका जो मंतव्य है शुरुआत में कहा आबादी को लेकर, हम भी बहुत समझदार समझते थे रघुनंदन जी को। खैर अभिनव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपका रिएक्शन हमें मिला। और शैलेंद्र आप हमारे साथ बने रहेगा, एक और अहम खबर को लेकर आगे हम शैलेंद्र के पास चलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। इधर कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने दल बदल करने वाले विधायकों की विधायक निधि रोकने की मांग को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे पत्र में उन्होंने मांग की कि जब दल बदल करने वाले विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं तो वो विधायक निधि का उपयोग क्यों कर रहे हैं, उनकी माने तो उपचुनाव जीतने के बाद वो विधायक निधि का उपयोग करें। भूपेंद्र गुप्ता ने ये पत्र लिखा है और जिनकी तरफ वो इशारा है उसमें एक निर्मला सप्रे हैं जो बीना से विधायक थीं, रामनिवास हैं जो पार्टी छोड़कर और अब तो वो बाकायदा मंत्री पद भी उन्हें मिल चुका है। अब भूपेंद्र गुप्ता लिख रहे हैं कि जिन्होंने दल बदल की है उनकी विधायक निधि रोक दी जाए। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, भूपेंद्र गुप्ता का पत्र विस्तार से बताएं जरा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के पहले मध्य प्रदेश के तीन विधायकों ने पार्टी छोड़ी थी, जिसमें एक विधायक जहां पर उपचुनाव हो चुका है अमरवाड़ा, वहां से वो वापस विधायक बन गए हैं और मंत्री बनने के बाद रामनिवास रावत ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन निर्मला सप्रे जो बीना से विधायक है उन्होंने अब तक पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। तो ऐसे में भूपेंद्र गुप्ता ने रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे को लेकर विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से मांग की है कि इन दोनों विधायकों की विधायक निधि खर्च करने पर रोक लगनी चाहिए। देखिए जैसे ही बजट पास हुआ उसके बाद सभी विधायकों को विधायक निधि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई है, तो ऐसे में सीधे तौर पर उनका यह आरोप है कि ये जो है वो लोकतंत्र का हनन है। जो व्यक्ति अपनी पार्टी को साथ गद्दारी करके दूसरे राजनीतिक दल में चला गया है और जो जनता ने जिसको चुना था वो उसकी भावनाओं के विपरीत चला गया है, तो ऐसे में उसको नैतिक अधिकार नहीं है कि वह अपनी विधायक निधि का उपयोग करे। तो ऐसे में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा और कहा है कि इन सब नियम कायदे को आप ध्यान में रखिए और जो विधायक है उनकी विधायक निधि पर तत्काल रोक लगाइए और यदि वो उपचुनाव में जाते हैं और वो जीत कर आते हैं तो उन विधायकों को वापस से उस राशि को जो होल्ड लगा रहे हैं जिसको रोका जाएगा उसको वापस से आप उन्हें दे सकते हैं ताकि वह जनता के हित में उसे खर्च कर सके। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर खबर रायपुर से, डीजीपी बने रह सकते हैं अशोक जुनेजा। दरअसल अशोक जुनेजा को एक्सटेंशन देने की तैयारी है, उनका सेवा कार्यकाल खत्म होने जा रहा है तो सेवा कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने की चर्चा चल रही है। 4 अगस्त 2024 को उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आईपीएस अरुण देव, हिमांशु गुप्ता, इनके नामों पर चर्चा भी चल रही है। छत्तीसगढ़ के 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं जुनेजा और अभी माना जा रहा है कि उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। छह महीने कार्यकाल बढ़ने की चर्चा है जुनेजा। हालांकि जो हवा में नाम तैर रहे हैं, जो जिनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं उसमें आईपीएस अरुण देव हैं, हिमांशु गुप्ता हैं, उनके नाम पर भी चर्चा है कि क्या उन्हें डीजीपी बतौर जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन ज्यादातर जो बातें निकल कर आ रही हैं ब्यूरोक्रेसी के गलियारे से वो ये कि अशोक जुनेजा डीजीपी बने रह सकते हैं और जो उनका कार्यकाल है जो 4 अगस्त 2024 को खत्म हो रहा है उसे बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है। आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के कार्यकाल को बढ़ाने का जो अधिकार वो सरकार के पास रहता है और अशोक जुनेजा को एक्सटेंशन देने की तैयारी चल रही है। छत्तीसगढ़ के 1989 बैच के आईपीएस हैं अधिकारी जो जुनेजा हैं वो। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, किस बात के चांस ज्यादा हैं, जुनेजा को एक्सटेंशन के या ये जो बाकी नाम चल रहे हैं अरुण देव, हिमांशु गुप्ता, किस तरह की चर्चाएं युगल?
जी देखिए बिल्कुल, अभी हम बात करें ललित, तो इसमें जो 1989 बेंच के जो आईपीएस अधिकारी हैं अशोक जुनेजा, वही विगत लगभग 3 साल से डीजीपी हैं, एक बार एक्सटेंशन हो भी चुका है और उम्मीद यही है कि फिर से उन्हें एक्सटेंशन मिल सकता है, क्योंकि जानकारी है सूत्र ही बताया है कि उनके एक्सटेंशन को लेकर के पत्राचार किया गया है। और इसके अलावा अगर डीजीपी के दौर में अगर हम बात करें तो आईपीएस जो अरुण देव है और हिमांशु गुप्ता, दोनों के नाम भी चल रहे हैं, तो देखना होगा क्योंकि अब पाला के केंद्र के में है, तो केंद्र एक्सटेंशन दे रहा है या नहीं दे रहा है, और जैसे ही एक्सटेंशन अगर मिलता है तो स्वाभाविक तौर पर जो डीजीपी अशोक जुनेजा है वो बने रह सकते हैं। लेकिन दो नाम आए हैं, पैनल बना हुआ था, चर्चा भी हुई, रायशुमारी भी हुई, लेकिन अब वक्त ही बताएगा कि आखिर छत्तीसगढ़ के डीजीपी का ताज स्तर पर रहेगा। जी 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 जी, हालांकि खबरें ये भी कि जो यूपीएससी को पैनल भेजा जाता है वो भी अब तक शायद नहीं भेजा गया। खैर, धन्यवाद युगल, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, एक और अहम खबर को लेकर युगल से हम आगे चर्चा करेंगे। और अगली खबर है शराब घोटाले से जुड़ी हुई। शराब घोटाला मामले के आरोपियों की रिमांड मिल गई है, विशेष कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड स्वीकार कर ली है। अनवर ढेवर और रिपी त्रिपाठी के को लाने का रास्ता साफ हो गया है, मेरठ जेल से उन्हें रायपुर लाया जाएगा। पूछताछ के लिए यूपी एसटीएफ इन दोनों को लेकर गई थी और अब वापस उन्हें लाया जाएगा। युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, युगल क्या अपडेट? ट्रांजिट रिमांड के लिए आवेदन लगाया गया था एपी त्रिपाठी और इसके मामले में लीकर, इसके मामले में अनवर ढेबर, दोनों की गिरफ्तारी हुई थी और उसे यूपी एसटीएफ की टीम है पूछताछ के लिए ले गई थी। और अब चूंकि पूछताछ की अवधि लगभग समाप्त हो चुकी है और ऐसे में यहाँ फिर से उन्हें लाने की तैयारी की जा रही है, क्योंकि एसीबी ईओडब्ल्यू को नकली होलोग्राम को लेकर के एक पुख्ता एविडेंस है वो मिला है, तो उस आधार पर एसीबी ईओडब्ल्यू की जो टीम है वो पृथक से और भी पूछताछ है वो कर सकती है। होलोग्राम को जलाने, नष्ट करने, सबूत नष्ट करने के आरोप भी लगे हुए हैं, तो ऐसे में जब अनवर डेवर एपी त्रिपाठी को फिर से लाया जाएगा तो यहाँ पर पूछताछ हो सकती है, उसके रिमांड फिर से लिया जा सकता है। और फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर लाने के लिए आवेदन यहाँ पर अर्जी लगाई गई है जिसे अभी कोर्ट ने स्वीकार किया है, तो अब फैसला जैसे ही आएगा उसके बाद एपी त्रिपाठी और अनवर डेबर ललित उन्हें लाया जा सकता है। जी चलिए, धन्यवाद युगल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर भोपाल में दिनदहाड़े लूट की वारदात सामने आई है, स्कूटी सवार से 5.5 लाख रुपए लूट लिए गए। बैंक से पैसे निकालकर यह युवक बाहर ही निकला था और तभी बाइक सवार बदमाशों ने बैग छीना और फिर फरार हो गए। कीलन देव टावर चौराहे की ये पूरी वारदात है। भोपाल में दिन दहाड़े 5.5 लाख की लूट। और इधर रीवा से खबर है, महिला ने पति को 3 तलाक दिया है, पति को फोन इसने किया और फिर 3 तलाक दिया। शहर के काजी ने इस महिला की शादी भी करवा दी, 2 बच्चे की मां है ये मुस्लिम महिला। पीड़ित पति के परिजनों ने अब पुलिस से गुहार लगाई है, पुलिस से मासूम बच्चे को लेकर गुहार लगाई गई है। काजी से हमने इसके फिर याद लेकर उसके बगले में, उसके मतलब ऑफिस में गए, अब बोले कि सर इसका मामला निपटा लीजिए। तू खुद बोला कि अजीज को बोला कि तुम तलाक दे दो, इन्होंने कहा कि मैं तलाक नहीं दूँ, हम इसको रखूँगे, मेरे बच्चे मतलब खून के आंसू रो रहे हैं। तो सहर काजी ने ये भी बोला कि लाओ डंडा इसकी मार करो करो, ये तलाक को नहीं देगा। इस मामले में तो देखिए शौहर और बीवी जिम्मेदार हैं। अब हमारे पास जो गवाही आएगी, शरीयत के दायरे में जो होगी, हमारी बात सुनिए, हमारे पास जो चीजें सामने आएंगी शरीयत के दायरे में, जो हमसे पूछा जाएगा कि ये तलाक इतने इतने मुद्दत में इतने बार हुआ तो क्या ये तलाक दुरुस्त है या नहीं, तो आप बताइए हम क्या जवाब देंगे। हम तो यही कहेंगे ना कि शरीयत के हिसाब से हो गया। एक रेगुलेशन, एक नियम आया है, अधिनियम आया है जिसमें जो तलाक होगा वो लिखित में होगा और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है जिसको देखना पड़ेगा, क्या उसमें पूरा स्टेटमेंट है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पति को फोन कर इस महिला ने ही 3 तलाक दे दिया, 2 बच्चों की मां है ये महिला और शहर के जो काजी हैं उन्होंने इस महिला की शादी भी करवा दी है। अब जो
पति है और उसके परिजन हैं वो पुलिस के पास पहुंचे हुए हैं। हरीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, बहुत पेचीदा ये मामला है, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? बिल्कुल ललित, जिस तरीके से पूरा वाक्या निकल कर सामने आया है वाकई हैरान कर देने वाला है, क्योंकि दो बच्चे की माँ है और अपने पति को जो है तो तलाक वो भी फोन के मार्फत दी थी। हालांकि जो तलाक देने के बाद जो उनके जो जो मुस्लिम समुदाय के जो आका होते हैं तो उन्होंने उसकी दूसरी भी शादी करा दी है, तो यह समझा जा सकता है कि जो पूरी मामले का खुलासा हुआ है तो बच्ची के पिता जो है तो अपने दामाद और उसके बच्चों को लेकर पूरे मामले का खुलासा किए हैं, और उन्होंने शिकायत करते हुए जो है तो जो इनके शहर के काजी हैं मुबारक हुसैन मंसूरी उनके खिलाफ जो है तो कार्यवाही एवं जांच की मांग कर रहे हैं। तो जो इसमें पूरे मामले में जो काजी हैं तो उनकी भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि जिसकी शादी हुई थी और 11 साल पहले शादी हुई थी और अच्छा खासा हंसी खुशी से वो जिंदगी जो है तो अपना काट रहे थे, लेकिन इसी बीच में कोई दूसरा मोड़ आया और उसने अपने जो उसकी जो महिला थी तो महिला ने अपने पति को फोन पर 3 तलाक करके और अपनी जो शादी है जो परिवार जो चल रहा है तो उसको तोड़कर और जो काजी है उसके कहने पर उसने अपना दूसरा निकाह करा लिया। हालांकि ये पूरा पेचीदा मामला है, पुलिस भी इस पे हैरान है और अब पूरे मामले में पुलिस जो है तो जांच परख शुरू कर दी है और थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि इस पूरे मामले में किसके किसके खिलाफ पुलिस कार्यवाही करने जा रही है। ललित, बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मध्य प्रदेश के 7.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, वित्त विभाग द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को भत्ते का जो एरियर है उसकी राशि का भुगतान करने का आदेश जारी हो गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 46% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है, इससे पहले 42% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था। कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2023 से बढ़ाया गया था, लेकिन इसका भुगतान 1 अप्रैल 2024 से किया गया। इधर गुना में सौतेली मां का सितम सामने आया, 5 साल के मासूम को इसने गर्म चिमटे से दाग दिया। दरअसल बच्चे के बिस्तर पर पेशाब करने पर ये नाराज हुई, पेशाब करने पर इसने दाग दिया। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर दादी उठी और फिर उस बच्चे को दादी ने बचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, चाचौड़ा थाना इलाका लगता है। खरगोन के गोगावा ब्लॉक के कुमारखेड़ा गांव में कुकडोल तक 2.5 किलोमीटर तक सड़क नहीं है। इसके बाद सड़क की मांग को लेकर स्कूली छात्राओं ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगाई है, पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया है। छात्राओं का कहना है कि दर्जनों छात्राएं हायर सेकेंडरी कुकडोल पढ़ने के लिए जाती हैं, लेकिन सड़क न होने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई बार कपड़े कीचड़ में गंदे हो जाते हैं, इसके बाद वो स्कूल नहीं जा पाती हैं। अब बेटियों ने सीएम और पूर्व सीएम से मार्मिक अपील की है। बुरहानपुर में बुजुर्ग महिला के पेट से 7 किलो का ट्यूमर निकाला गया है। जिला अस्पताल में 65 साल की बुजुर्ग महिला का मुख्य सर्जन और 7 डॉक्टर्स की टीम ने ऑपरेशन किया और ट्यूमर से निजात दिलाई। महिला को कई दिनों से तकलीफ हो रही थी, 3 निजी अस्पतालों में दिखाने के बाद जिला अस्पताल में ये सर्जरी हो सकी। इधर दमोह में जुए का खेल जारी है, जुए के फड़ का एक वीडियो वायरल हुआ है। मगरौन थाना इलाके के मांगो गांव का यह वीडियो बताया जा रहा है। छतरपुर में मकान निर्माण के दौरान कुएं में गिरी हथौड़ी को उठाने के चक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। दरअसल गड़ी मलहरा थाने इलाके के कुर्राहा गांव में एक मकान बन रहा था, काम के दौरान एक हथौड़ी बंद पड़े कुएं में गिर गई। इस हथौड़ी को निकालने के लिए पहले एक व्यक्ति कुएं में उतरा, वो जहरीली गैस का शिकार बना और उससे बचाने के चक्कर में एक एक कर 3 लोग और कुएं में उतरे, वो भी जहरीली गैस की चपेट में आए, दम घुटा और उनकी जान चल गई। मृतकों में एक ही परिवार के 3 लोग हैं, पिता पुत्र भतीजा और एक अन्य शामिल है। खाली
मेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव है कुर्राहा, वहां का एक ये मामला सामने आया है जिसमें कुएं में जाने से 4 लोगों की डेथ हुई है और अस्पताल में तस्दीक की जा रही है। पूरी टीम मेडिकल की भी और पुलिस की भी वहां पर है और ओपिनियन आने के बाद ही एग्जैक्टली सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मर्ग भी कायम किया जा रहा है और उसकी विधिवत जांच की जाएगी। अंबिकापुर में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 मरीजों की मौत की जांच के लिए टीम बनाई गई है। मामले में संभागीय कमिश्नर ने 3 सदस्यीय ये जांच टीम बनाई है। मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया था। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स पर लापरवाही के आरोप लगे थे। कमिश्नर GR चुरेंद्र ने 7 दिन में जाँच दल को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इधर बिलासपुर में 3 करोड़ की ठगी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। झारसू गुड़ा से इसे पकड़ा गया। आरोपी का पिता अभी भी फरार है। अपने चाचा से इसने 3 करोड़ की ठगी की थी। पिता पुत्र दोनों ने मिलकर 3 करोड़ की ठगी की और फिर फरार हो गए थे। इधर धमतरी में अब फिर से महिला कमांडो की वापसी होने जा रही है। फिलहाल शहर के 5 वार्डों में इसे शुरू किया जा रहा है। महिला कमांडो को नशे के खिलाफ काम करने के लिए लाया जा रहा है। इन वार्डों में सार्वजनिक जगहों पर नशा करने वाले या सामाजिक तत्वों पर ये महिला कमांडो रोक लगाने में मदद करेंगी। आपको बता दें, धमतरी में नशा और उससे होने वाले अपराध पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। अब सामाजिक संस्थाओं और महिला कमांडो की मदद से इस चुनौती से निपटने की तैयारी है। ये SP साहब वार्ड पार्षदों की पहल से आज धमतरी में 5 वार्डों में महिला समूहों के साथ मिलकर नशा मुक्ति के विरुद्ध एक अभियान छेड़ा गया है। इस पहल का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में ये हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाएगा। आज हमने नशा मुक्ति को कम करने के लिए एक नया अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें हम नारी शक्ति के माध्यम से 5 वार्डों में 5 संस्थाओं सामाजिक संस्थाओं से जोड़ करके हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। इस कार्यक्रम में यही रहेगा कि अपराध पर किस प्रकार से अंकुश लगाया जाए और नशे का जो प्रयोग हो रहा है जगह जगह उस पर अंकुश लगे। और यहां रुकेंगे।